आंखों की रोशनी छीनने के बाद डेंगू का अब एक और खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आया है। एक महिला को इस बुखार की वजह से लकवा हो गया, चारों हाथ पैरों में कमजोरी आ गई और पूरे नर्व सिस्टम को प्रभावित कर दिया। न्यूरोलॉजिकल टर्म में इस बीमारी को एक्यूट जीबी सिंड्रोम कहते हैं। डॉक्टरों का दावा है पोस्ट डेंगू एक्यूट जीबी सिंड्रोम का राजस्थान में तो ये पहला केस है। वहीं महिला की स्थिति में काफी सुधार है, वह करीब एक हफ्ते से विद्यानगर स्थित जायसवाल हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट में एडमिट है। हॉस्पिटल के निदेशक व सीनियर न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि आरकेपुरम की रहने वाली सुनीता आर्या को 28 सितंबर को अस्पताल लाया गया था। उनके हाथ पैर समेत पूरे शरीर में कमजोरी थी और चेहरे पर भी पैरालिसिस था, वो चल फिर भी नहीं पा रही थी। हिस्ट्री में पता चला है कि उसे करीब 10 दिन पहले एक दिन के लिए बुखार आया था, डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आया, एनसीबी एसटी सीटी स्कैन एवं एमआरआई करवाई तो पता चला कि इस बुखार के वायरस ने उनके हाथ पैर चेहरे की नर्व को खराब कर दिया है। वो कुछ काफी अत्यंत दुर्लभ केस भी आए, जिसमें जो पहला केस है एक महिला भर्ती हुई थी जिनको कि अचानक से चलने फिरने में परेशानी, खाना पीना निगलने में परेशानी एवं